रिपोर्ट्स हो जो अभी अवेलेबल हो कर लिए दो अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान संधु और इस टाइम जी मैं जा रहा हूँ बाबा साहब डार की तरफ और मेरा जो मोटरसाइकिल है वो रास्ते में तो फंसे गया। असल में रात को कुछ सीन हुआ ऐसा कि कुछ लड़के मुझे मिले तो लाहौर के थे, वो असल में कह रहे थे कि मुझे हम इकट्ठे चलते हैं और होटल भी इकट्ठे लेंगे और खाना भी इकट्ठा खाएंगे और बाबू साहब डार तक इकट्ठे चलेंगे। मैंने उनकी बात मान ली, वो मेरे साथ आ रहे थे रात को, शाम को 6 बजे हमने इकट्ठे शुरू किया सफ़र कलाम से सफ़र शुरू किया से आगे। तो उन भाइयों ने क्या किया है कि 9 बजे तक हमने इकट्ठे सफ़र किया, 9 बजे के बाद वो अचानक से ना गायब हो गए। पता नहीं, मेरे सामने गाड़ियों की लाइटें पड़ी हैं तो वो चढ़ाई पे, उनके पास था बंतुफ है, मेरे पास था सीढ़ी, वो चढ़ाई थी चढ़े स्पीड से और मेरा तो सीढ़ी था वो पहले दूसरे पर जाता नहीं था, मुझे फिर टाइम लग गया चढ़ाई पे। तो वो जैसे नीचे उतरे हैं वो उन्होंने स्पीड पकड़ ली है, वो गायब हो गए, मैं रह गया पीछे अकेला। फिर मैं वहाँ पर चढ़ाई चढ़ के थोड़ा सा आगे सफ़र किया, एक छोटा सा होटल आया था उसकी मैंने मिलते किए, वो फिर बंदा माना है तो उसने मुझे कहा है कि ठीक है कोई बात नहीं आप इधर रह लो। तो उस बंदे का भी बड़ा शुक्रिया, बड़ा एहसान है, उसने मेरे साथ प्रॉब्लम किया रात, मुझे उसने उधर खाना खिलवाया और मैं रात उसके पास रहा। अभी मैं जा रहा था बाबू साहब डार की तरफ, सुबह मैं निकला था 6 बजे, तो रास्ते में जो बाबू साहब डार से पहले जो चढ़ाइयाँ आती हैं उस चढ़ाइयों में मोटरसाइकिल की हो गया सील लीक, क्लच की सील लीक हो गया, तेल निकल गया सारा, थोड़ा सा ही रहता था बाबू साहब डार पहुँचने ही वाला था तो मोटरसाइकिल मेरा जो है खराब हो गया। अब मैं उसे लेके जा रहा हूँ पीछे। ये जिस जगह पर मैं रुका हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन है, ऐसा व्यू है। अब चलते हैं, कोई डाले वाले को रोकते हैं, उसकी मदद करते हैं मोटरसाइकिल से लेके, पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि आगे बाबू साहब डार की तरफ कोई मैकेनिक नहीं है और पीछे जाना पड़ेगा बड़वाई में, वहाँ सुने मकैनिक मिल जाते हैं, वहाँ से मोटरसाइकिल बनवाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। मोटरसाइकिल जो अभी डाले पे लोड कर लिए, 2000 रुपये क्रैम मांग रहा था लेकिन वो प्लस करके डिस्काउंट किया है थोड़ा सा, अब उससे बंद करें फिर आगे चलते हैं, जाके बनवाते हैं मोटरसाइकिल कहीं पे। ये वही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो बाबू साहब डार से जाने से पहले आते हैं। मुझे वापस जाने का दुख भी बहुत हो रहा है क्योंकि बाबू साहब डार मुझसे सिर्फ 12 किलोमीटर जो है वो दूर रह चुका था और अभी दुख भी हो रहा है वापस जाने का। खैर कोई नहीं, यहाँ पर इतनी देर रुक भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है और दूसरा होटल भी नहीं है जो पार्किंग लगा कर आगे किसी गाड़ी पे जा सकूं। अगर मुझे बड़वई में मैकेनिक मिल गया तो मैं बाइक ठीक करवा के आगे कोशिश करूँगा जाऊँगा ना, और अगर ना मिला तो फिर मुझे 40 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा नारान के अंदर, वहाँ से फिर मैकेनिक मिलेगा। टॉप से अभी मैं इस टाइम आ चुका हूँ नीचे अपनी मोटरसाइकिल लेके, एक तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी और दूसरा ऑक्सीजन की कमी थी। अभी मैं फ़िलहाल नीचे आ चुका हूँ और नारान में, और नारान से अपनी बाइक जो है वो ठीक करवा ली है। अब इस टाइम दिन के जो हैं 12 बज चुके हैं और अभी मैं निकलूँगा एबटाबाद की तरफ,
एबटाबाद से फिर होता हुआ एक रास्ता जाता है नथिया गली की तरफ। फिर कोशिश करूँगा कि आज रात स्टे जो है एबटाबाद तक पहुँच जाए, क्योंकि अभी टाइम कम है, मौसल सीधी है तो काफ़ी टाइम लग जाता है इस पे पहाड़ियाँ चढ़ने में, और हो सकता है कि आज रात एबटाबाद तक इंशाल्लाह पहुँच जाए। फिर वहाँ से सुबह हम निकलेंगे नथिया गली की तरफ और आगे चल देंगे, फिर वहाँ का व्यू आपको दिखाऊंगा। और वीडियो यार लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है और इंशाल्लाह वो भी सीडी मोटरसाइकिल पे। आपने देखा बाइक ख़राब हो गई, इतनी दूर से सफ़र करके यहाँ लेके आया हूँ। अभी मैं पहुंच चुका हूँ मुजफ्फराबाद से, जो पहले रास्ता आता है ना जंगल के अंदर से, क्या ही कमाल रास्ता है यार, सारा जंगल है। यहाँ पे मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, आपको व्यू दिखाता हूँ। पुलिस वालों ने मना किया, कहते हैं ज़्यादा देर नहीं रुकना। ये देखें, सारा का सारा इसी तरह जंगल ही जंगल है सारा रास्ता। अंदर से हर तरह के जानवरों की आवाज़ें और पता नहीं किन किन चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, अजीब भी चीज़ें हैं। नीचे मुजफ्फराबाद का इलाका है, मुजफ्फराबाद अभी शुरू हो गया तकरीबन, ऊपर ये रोड है। Thank you.